हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय से भारत सरकार को धोखा दे रहे विजय माल्या को मंगलवार को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। भारत के कई बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या पिछले 14 महीनों से लंदन में रह रहे हैं। इन विवादों के बीच विजय माल्या अपनी रंग मिजाजी और रहस्यमयी लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। फिर चाहे वो किंगफिशर के कैलेंडर गर्ल्स के साथ दिखने की बात हो या फिर पिंकी लालवानी संग रिश्तों की बात हो। वैसे आपको बता दें, विजय माल्या की दो शादियां हुई है। पहली शादी उन्होंने समीरा तैयब जी से की थी, जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। दूसरी शादी उन्होंने रेखा से की। खैर, आज हम आपको विजय माल्या की लाइफ की उन 7 लेडी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे उनका बेहद खास रिलेशन रहा है। समीरा तैयब जी। समीरा विजय माल्या की पहली वाइफ हैं। उन्होंने माल्या का साथ उस वक्त थामा जब वह बिजनेसमैन की दुनिया में पिता की पहचान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। साल 1986 में माल्या और समीरा की मुलाकात हुई। समीरा तैयब जी एयर इंडिया में एयर होस्टेस थीं। विजय माल्या अब समीरा को तलाक भी दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस सिद्धार्थ माल्या को विजय माल्या का वारिस बताया जाता है, उनकी माँ समीरा तैयब जी हैं। सिद्धार्थ माल्या का जन्म लास वेगास में हुआ और फिलहाल वे वहीं हैं। रेखा। समीरा से तलाक के बाद विजय माल्या ने बेंगलुरु में अपनी ही पड़ोसी रेखा से शादी की। रेखा और विजय दोनों की यह दूसरी शादी थी। रेखा के पहले पति मिस्टर महमूद विजय माल्या के अच्छे दोस्त थे। पहले पति से रेखा ने एक बेटा कबीर और बेटी लैला को जन्म दिया था। इन दोनों बच्चों को माल्या ने गोद ले लिया। कहते हैं कि रेखा ने शादी के लिए भी माल्या के सामने यही शर्त रखी थी। पिंकी लालवानी। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि माल्या की लाइफ में एक और सीक्रेट लेडी है। इस लेडी का नाम है पिंकी लालवानी। पिंकी लालवानी विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस में एयर होस्टेस थीं। बताया जाता है कि लंदन भागने के वक्त पिंकी लालवानी उनके साथ ही थीं। विजय माल्या के लगभग सभी बड़े फैसलों में पिंकी का बड़ा रोल होता है। लैला माल्या। लैला रेखा के पहले पति की संतान है। हालांकि जब रेखा ने माल्या से शादी कर ली, तब से वह माल्या परिवार का हिस्सा हो गई। गोद लेने के बाद लैला महमूद लैला माल्या कहलाने लगी। लैला आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के साथ काम करती थी। लीना और तान्या माल्या। दूसरी शादी के बाद रेखा ने विजय माल्या के साथ भी दो लड़कियों को जन्म दिया। रेखा माल्या अपनी दोनों लड़कियों लीना माल्या और तान्या माल्या के साथ ज़्यादातर अपने कैलिफोर्निया वाले घर में ही रहती हैं। विजय माल्या ने अपनी पत्नी रेखा से जुड़ी जानकारियों को अब भी प्राइवेट ही रखा है। एक इंटरव्यू में जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छिपाने का कारण थोड़ा पर्सनल है। समीरा रेड्डी। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का कन्यादान किया है। इन दोनों के रिश्ते भी काफ़ी रहस्यमयी हैं। हालांकि माल्या को समीरा अंकल कहकर पुकारती हैं। बताते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी की शादी के वक्त लड़की की ओर से कोई मौजूद नहीं था। उनके रिलेटिव्स में सिर्फ विजय माल्या मौजूद थे। ऐसे में विजय माल्या ने ही कन्यादान की रस्म निभाई थी। समीरा रेड्डी माल्या फैमिली में बहुत क्लोज हैं। उन्हें अक्सर माल्या फैमिली के प्रोग्राम में देखा जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।